हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम इंसेक्ट यानी कि कीड़ों से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे उन सभी को डिस्कस किया था, और आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन यानी कि इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन प्लांट इसको हम देखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं, और देखिए आप कि पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन क्या होता है। तो सबसे पहले जो प्लांट होते हैं वे हैं जलोद्भिद यानी कि हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं ये बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाएंगे? ये बहुत अधिक जल जहाँ पर होगा वहाँ पर ये पौधे पाए जाएंगे। ये पूरी तरह से इनका जड़ें और प्रकंद, इनकी जो जड़ें होती हैं और जो प्रकंद होता है ये पूरी तरह से जल में डूबे हुए होते हैं, और इनमें मंद प्रकाश यानी कि बहुत कम प्रकाश के कारण ये जो पौधे होते हैं ये बहुत पतले और कोमल होते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के रूप में बात करूं तो कमल और जो जलकुंभी होती है, ये जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं ये बहुत पतले और कोमल होते हैं, जैसे कि कमल और जलकुंभी। आगे देखिए आप, नेक्स्ट जो अपना प्लांट है वो है मेटाफाइट्स। मेटाफाइट्स जिसे समोभिद के नाम से जाना जाता है, ये पौधे सामान्य स्थान पर उगते हैं। ठीक, कहाँ पर उगेंगे? ये बिल्कुल नॉर्मल एरिया, सामान्य स्थान पर कहीं भी उग जाएंगे। अब अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी यहाँ की ना तो अधिक शुष्क होती है और ना ही अधिक नम, ना अधिक शुष्क होगी यानी कि सूखी, और ना ही इन मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी होगा। वहाँ पर आपको मेटाफाइट्स प्लांट्स देखने को मिलेंगे। इन पौधों की मिट्टी में ऑक्सीजन और खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। स्थानीय पौधे में यह पौधा सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्लांट और ट्री आते हैं? तो वनों में जितने भी प्लांट होते हैं वे सभी मेटाफाइट्स के अंदर आते हैं। बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी पेड़ पौधे मेटाफाइट्स के अंदर आते हैं। आगे देखिए आप, नेक्स्ट जो अपना दिया गया है वो है मरुभिद यानी कि ज़ीरोफाइट्स प्लांट। इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है। मृदा में पानी की कमी होगी और तापमान बहुत ही ज़्यादा होगा, ऐसे मरुस्थलीय स्थानों पर ये पौधे, कौन से? ज़ीरोफाइट्स पौधे मिलेंगे। उदाहरण के लिए नागफली, खेजड़ी राजस्थान में मिलता है, और खजूर के जो वृक्ष हैं ये भी मरुस्थलीय एरिया में देखने को मिलते हैं। आगे जो अपने प्लांट हैं, पौधे, वो हैं लवणोभिद यानी कि हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो पौधे होते हैं इनके लिए मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है, वह लवणीय या खारी मिट्टी कहलाती है। यहाँ पे देखिए आप कि जिस मिट्टी में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड पाए जाएंगे वह खारी मिट्टी होगी। ऐसी मिट्टी में उगने वाले पौधे को लवणोभिद पौधे कहा जाता है। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। देखिए आप थर्ड नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है कि इन स्थानों पर जल की उपस्थिति है फिर भी पौधे मृदा से जल अवशोषित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सुंदरवन में स्थित है मैग्रोवन। मैग्रोवन कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा में। ठीक, आगे देखिए आप, दिया गया है कि सब्जियों का जन्म स्थान। सब्जियाँ, वे सब्जियाँ जिनका जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका में है वे हैं मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर और मूंगफली। इन सभी का जो जन्म स्थान है वो दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले इन्हें उगाया गया था। अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कॉफ़ी और भिंडी, ये अफ्रीका की सब्जियां हैं। यूरोप गोभी और मटर
सबसे पहले ये सब्जियां कहाँ पर उगाई गई थी? यूरोप में इनका जन्म हुआ था। चीन में सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ पर? चीन। असम में चाय। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा सब्जियां उगाई गई और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्जियों का जन्म स्थान भी है। किस किस का? तो बैंगन का, केला, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, मूली, पालक, टिंडी, मेथी, परवल, ये सभी भारत में उगाई गई सब्जियां हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और हां, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।